आने वाले पीढ़ियों को भविष्य बेहतर हो, इसके लिए उन्होंने शहादत दिया, कुर्बानी दी। और हम सब लोग का कर्तव्य बनता है कि इनके दिखाए हुए रास्ते पर चले। तो आज के दिन आलोक मेहता जी और उनके तमाम साथी, पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता, अलग अलग संगठन से जुड़े हुए लोग, जगदेव बाबू के जितने अनुयायी हैं, आज का कार्यक्रम आप लोगों ने किया, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आयोजकों को। आज महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, और साफ तौर पे हम लोगों का संकल्प है कि जो देश में जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उन सबको 2024 में देश के गद्दी से उतारने का काम करें। और ये जो महागठबंधन बना, ये बिहार के हित में है, देश के हित में है। हम लोगों को सत्ता उतनी प्यारी नहीं, लेकिन आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपके देश में जो चंद कुछ लोग हैं, वो भगवान राम के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, गौ माता के बारे में हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। धर्म चंद लोगों के लिए नहीं है, हम लोग भी हिंदू हैं, और चाहे हिंदू धर्म हो या भगवान कृष्ण हो, राम हो, गौ माता हो, हमारा बहुत ही पुरातन रिश्ता है। कोई सर्टिफिकेट लेकर के घूमे और बांटे, हमको उसकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। दरअसल जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से हमारा देश का संविधान कमजोर हुआ। एससी एसटी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलितों पर हमला शुरू हो गया, लोकतंत्र कमजोर हुआ। जब आलोक मेहता जी भाषण दे रहे थे, जब उन्होंने जगदेव बाबू को एड्रेस किया, तो बिहार के लेनिन बोल करके एड्रेस किया। हम आलोक जी को और आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि जगदेव बाबू की जो कुर्बानी रही है, जो संदेश उन्होंने समाज को दिया है, वो बिहार के लेनिन नहीं बल्कि भारत के लेनिन है। उनकी शहादत को, उनके कुर्बानी को आज हम सब लोग याद करते हैं, और उनके विचारधारा पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी के भी नेता रहे, हम लोगों के भी नेता रहे, हम तो ज्यादा बहुत छोटे थे, उनकी हत्या हो गई, कभी मौका मिला नहीं, लेकिन अपने पिता से जो उनके बारे में सुनने को मिला, और कई लोगों के साथ बैठकर के जब चर्चा होती थी जगदेव बाबू की, तो हम सुनते रहते थे, तो उनके विचार से हम लोग प्रभावित रहे। लोग देखते होंगे कि अभी क्या क्या डिस्कशन चला, एजेंडा चला। अब हम पूछना चाहते हैं, ये वर्ण व्यवस्था जो है किसने बनाई है, ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई,
कुछ लोग जो चंद लोग हैं अपने वर्ण को श्रेष्ठ बोलते हैं और जिसकी सबसे ज्यादा संख्या भारी है उनको ये लोग निम्न वर्ग बोलता है, यही है ना। तो ये बनाने वाले कौन है? और आप समझिए कि हम लोग संविधान से चलते हैं, देश का अगर सबसे कोई पवित्र किताब है तो वो देश का संविधान है, और संविधान हर एक व्यक्ति को सबको बराबर के नजरिए से देखता है, सब लोग जो है बराबर है। तो अगर ये वर्ण व्यवस्था की बात होती है तो ये तो संविधान का विरोधी वाली बात है। संविधान का विरोध मतलब देश का विरोध। तो ऐसी बातें पर जो है भाजपा जो है चर्चा कराती है, एजेंडा जो है इस पे जो है चलाने का काम करती है। सड़कों पे क्या हालत हो जाती है? कुछ लोगों को पटकार दे दिया जाता है गले में, कुछ गुंडों को, वो लोग जो है मारा पीटी शुरू कर देते हैं, गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। क्या हो रहा है? नफरत की राजनीति हो रही है, आपस में लड़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जात को जात से लड़ाया जा रहा है। यही काम जो है हर जगह हो रही है, और कुछ चंद लोग जो है वही लोग जो है इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और वही लोग हमारे बच्चों को बोलता है कि हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए। कोई बुराई नहीं है हिंदी हो या संस्कृत हो, लेकिन जो लोग हम लोगों के बच्चों को बोलते हैं हिंदी पढ़िए संस्कृत पढ़िए, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, विदेश भेजा जाता है। ये बात जो है हम लोगों को समझने की जरूरत है। जितने भी बड़े समतावादी हैं, मानवतावादी हैं, संत फकीर हुए, वो सभी मेहनतकश वर्गों से संबंध रखते थे, और हम सब लोगों को एक एक चीज इनके मॉडल को, इनके डिजाइन को, आरएसएस क्या एजेंडा लागू कर रही है इसको हम लोगों को जानने की जरूरत है। पूरी तरीके से ये मानवता विरोधी है, इंसानियत विरोधी है। और कुछ लोग जो कथा कथित है हम लोगों को जो निम्न वर्ग कहते हैं, अगर कोई निम्न वर्ग में से कथा कथित निम्न वर्ग में से पढ़ लिख करके इनसे सवाल पूछे वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो इन लोग जो है अपने हिसाब से काम करता है। किस हिसाब से? आप लोग सब लोग देखे होंगे जो लोग सवाल करता है इन लोगों से। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि हिंदू है तो बड़ा छोटा क्यों है भाई? अगर हम सब हिंदू हैं तो बड़ा छोटा कैसे है? तो छोटा बोलता है, कोई निम्न बोलता है, ये तो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को बराबर के नजरिए से देखना चाहिए। यही तो जगदेव बाबू की लड़ाई थी, यही तो सामाजिक न्याय है कि आपको शिक्षा का भी वही अधिकार है जो उनको है, आपको चिकित्सा का भी वही अधिकार है जो उनको है, हर एक चीज का अधिकार जो है उस सम्मान सबके बराबर है, किसी के लिए जो है अलग नहीं है, इसी बात की जो है लड़ाई है। आप देखिएगा कि सभी वर्ण के लोगों को सभी जगह समानुपातिक हिस्सेदारी मिलेगी, तभी हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा, अन्यथा यहां सामाजिक आर्थिक विषमता व्याप्त रहेगी। इसलिए हम सब लोग सामाजिक न्याय को मानने वाले हैं, हम समतावादी हैं, मानवतावादी हैं और समाजवादी लोग हैं, सभी को एक समान समरूपता से देखते हैं, तभी हम कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है ए टू जेड की पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, कोई हमारा भाई जो है पीछे ना छूटे, सबको उसका अधिकार मिले, इसी की लड़ाई जो है हम लोग लड़ते रहे। और आप बताइए, कुछ लोग अगर नारा लगाते हैं
जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कुछ लोग जो है कहते हैं कि जातिवाद है। अगर जातिवाद होते तो हम जगदेव बाबू को क्यों अपना नेता मानते, हम लोहिया जी को अपना नेता क्यों मानते, हम चौधरी देवीलाल जी को अपना नेता क्यों मानते, हम चौधरी चरण सिंह को अपना नेता क्यों मानते। ये सब केवल और केवल भरमाने वाली बातें हैं और इनके डिजाइन में हम लोगों को फंसने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग सजग रहिए और इनके डिजाइन को पूरी प्रक्रिया को जो है पूरा कर लिया जाएगा, पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है, सब कुछ सामने आ जाएगा। और जब सामने आएगा तो एक साइंटिफिक डेटा आएगा, तो उसके बाद आप तय कर सकते हैं जो अंतिम पैदान पर जो समाज है उसको हम लोग मुख्य धारा लाने में उसके लिए बजट में प्रोविजन करके योजना जो है हम लोग बना सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं कि कौन जो है मजदूरी करता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, कौन रिक्शा चलाता है, कौन जो है भूमिहीन है, कौन जो है कचरा साफ करता है, नाला साफ करता है, कौन लोग है ये लोग। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आप जो है सही से बजट नहीं बना सकते, योजना नहीं चला सकते। तो ये डेटा हम लोगों के पास आ जाएगा, सारा चीज पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो इस पे हम लोगों की सरकार काम कर रही है और अभी लाखों की संख्या में हम लोगों ने सरकारी नौकरी को लेकर के जो रिक्त पदे थे उसको भरने के लिए हमारी सरकार ने जो है पूरी तरीके से उसका कैबिनेट से हम लोगों ने किया है, जो सीटें जो भरनी है पद को सृजन किया है और आने वाले समय में कुछ दिनों में इसकी प्रक्रिया चालू है। स्वास्थ्य विभाग ही 1,60,000 नौकरी सरकारी नौकरी देगा। आप देखिएगा पुलिस महकमे में जो है बड़ी संख्या में जो है नौकरी निकलने जा रही है, खरीदने वाले भी चंद लोग हैं, वही चंद लोग जो है देश को चलाने का काम कर रहे हैं। दूसरे राज्य में इनकी सरकार नहीं होती है तो वहां जो है अपने कुछ जांच एजेंसियों को भेज करके जो है तबाह करती है, तंग करती है, खरीद फरोख्त करके विधायकों का सरकार गिराने का काम करती है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, झारखंड में क्या कर रहे थे ये लोग, वो आप देखिए। आप लोगों के जो जो शक्ति दी है, आप लोगों ने जो हमको ताकत दी है, उस ताकत के बदले जो देश में ये लोग कर रहे थे भाजपा को, उसी तरीके से इनको हम लोगों ने सबक सिखाने का बिहार की धरती पे काम किया। समाजवादी पार्टियों को खत्म करना चाहते थे ये लोग, क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते थे ये लोग, आप देख लीजिए। और आने वाले समय में आप सब लोगों से यही हम अपील करेंगे कि आप सब लोगों को एकजुट रहना है। ये लंबी लड़ाई है और हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज महागठबंधन की सरकार बनी है तो जातीय जनगणना जो है उसकी शुरुआत हो गई है। कितना बड़ा काम हो रहा है 31 के बाद, अब जो है पूरे उत्तर भारत में अगर कास्ट बेस्ड सर्वे हो रहा है तो वो बिहार में हो रहा है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। जितने हाउस काउंटिंग है, हाउस होल्डिंग है, रेडी किया। पहले रेलवे बजट आता था, पता चलता था कितना ट्रेन मिल रहा है, कहां से कहां खुल रहा है, किराया कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब तो रेलवे बजट को गायब कर दिया है। और आप देखिएगा देश कहां जा रहा है, आर्थिक स्थिति क्या है देश की, कहीं कुछ नहीं। यही भाजपा के लोग कहते थे कि 2022 में हर घर को जो है पक्का कराने का काम करेंगे, जिसको घर नहीं उसको पक्का घर देने का काम करेंगे। आज 22 हो गया, कहां है। यही लोग बोलते थे हर किसानों का दुगुना आय जो है दुगुना करेंगे, 22 हो गया, इस पे आज कुछ भी चर्चा ना, पक्के मकान की चर्चा। ये बोलते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहां है ना नौकरी पे चर्चा, ना महंगाई पे चर्चा। पूरी तरीके से जो है हिंदू मुसलमान धर्म
इसके नाम पर केवल केवल अंदर ही अंदर देश की संपत्ति को बेचा गया। एयर इंडिया बिक गया, रेलवे बिक गया, SBI बिक गया, क्या क्या नहीं बिका।